कल रात में ग्राम दिवेल में मीरा बाई पति दिलीप के वहाँ पर उनकी लड़की की शादी थी, जहाँ पर राजपुर थाना भाट पचराना जिला उज्जैन से बारात आई थी। बारात में जो आरोपी गण है उनके द्वारा ऐसा बताया, फरियादी द्वारा बताया गया कि आरोपी गण थे वो चाकू लहरा के नाच रहे थे, जिससे उनको मना किया। मना करने के बाद वो काफ़ी थोड़ा विवाद हुआ वहाँ पर, उनको वहाँ से भगा दिया था। फिर वो थोड़ा आगे चले गए, जब बारात वापस जा रही थी तब उनने रास्ता फिर बारात वालों से रोक के फिर बातचीत करी, विवाद हुआ, फिर वहाँ एक को पत्थर मार दिया, मनोज नाम का लड़का था उसको पत्थर मार दिया था। पत्थर मारने के बाद में जब ये जहाँ शादी हो रही थी, उनका एक दामाद है नरेंद्र, नरेंद्र पिता जगदीश दायमा, जब वो वहाँ पहुँचा उसने उसको बातचीत करी तो वहाँ से चले गए थे वो लोग। बाद में जब वो ढाबे पे गए वहाँ पर उन्होंने इनको तब को अपने दोस्त के थ्रू बुलवाया वहाँ पर, वहाँ फिर इनकी बहसबाजी हुई। तब वहाँ पर आरोपी जो मुख्य आरोपी है सूरज, उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर नरेंद्र को चाकू मार के वहीं पर पूरी तरह घायल कर दिया था, काफ़ी सारा ब्लड बह गया था और मृतक को हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसके रास्ते में मौत हो गई थी। जो मृतक है उसका नाम नरेंद्र जगदीश भील है, भील समाज से हैं, ये दायमा है, ये राजपुर भाट पचलाना के रहने वाले हैं। जो आरोपी है, तीनों आरोपी, उसमें एक सूरज है, दूसरा जितेंद्र है, तीसरा संदीप है, तीनों ही सॉरी एक सूरज है, जितेंद्र है और भोला है, ये तीनों ही शिवगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुर ग्राम है थाना बलबांग क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और अभी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया और विवेचना में है अभी।